बात करेंगे सलंकियाद और विष्णुकुंडी राजवंश के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सलंकियान और विष्णुकुंडी जो अभी आप देखेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें नया टॉपिक जुड़ा है। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। आप देखेंगे इसका वीडियो हिंदी में और इंग्लिश में हम इसका बनाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश में आपको वीडियो कहीं पे भी इसका नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत चांसेस है इसके क्वेश्चन आने के लिए। सो आपको मैं इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सो देखिए, सलंकियान के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के सलंकियान वंश ने भारत में आंध्र क्षेत्र के एक हिस्से पर 300 ईस्वी से 440 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए, जो सलंकियान वंश है, अब देखिए ये कहाँ पे थे। पहली बात तो भारत के आंध्रा क्षेत्र में, आंध्रा क्षेत्र यहाँ पे सातवाहन वंश था पहले, बाद में फिर देखिए यहाँ पे आगे सलंकियान। इनका जो शासन यानी कि जो टाइम पीरियड था वो कब था, 300 ईस्वी से 440 यानी कि 140 सालों तक इन्होंने राज किया। उन्होंने निचली गोदावरी, उन्होंने गोदावरी और कृष्णा, देखिए यहाँ पे क्या था, जो गोदावरी और कृष्णा नदी है उसका जो निचला पार्ट है उसका जो एरिया है, यानी कि गोदावरी कृष्णा नदी जहाँ पे बहती है उसके जो नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ का जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जे पर कर रखा था। यानी कि देखिए, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था उसका जो निचला पार्ट था वो सलंकियान के कब्जे में था। ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे, वे टॉलमी की शलाकेनाई के समान थे। देखिए जो टॉलमी है, ठीक है, उनके जो शलाकेनाई जिसमें उनका वो जिक्र करते हैं टॉलमी शलाकेनाई का, ये सलंकियान उनके समान थे। इस वंश के 7 राजा जाने जाते हैं, इनकी इस वंश के देखिए कितने राजा थे, 7। उनकी राजधानी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एलुरु के पास आधुनिक पेड वेंगी में स्थित है। ये देखिए सलंकियान की राजधानी कौन सी है, इनकी राजधानी है आंध्र प्रदेश के जो पश्चिम में गोदावरी जिला, पश्चिम में जो गोदावरी है उसका जो जिला है, यानी कि देखिए गोदावरी नदी के जो पश्चिम के हम अगर हम बात करें, वेस्ट की बात करें, वहाँ पे एक जिला आता है एलुरु। एलुरु के पास देखिए एक जगह है जिसे आधुनिक, जिसका नाम है पेड वेगी वेंगी। ये किन की जगह है, ये सलंकियान की जगह थी, ठीक है। पेड वेगी वेंगी जो है वो सलंकियान की जो थी वो राजधानी थी। वो कौन सी, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के एलुरु में। सलंकियान आंध्र इक्वाशु वंश के उत्तराधिकारी बने। अब देखिए इक्वाशु वंश आए, अब देखिए पहले सातवाहन वंश था, इक्वाशु वंश आया, फिर उसके बाद कौन आए, सलंकियान। यानी कि सलंकियान किन के बाद आए थे, इक्ष्वाकु वंश के बाद, और दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के जागीरदार थे, ठीक है। आप देखिए पल्लव राजाओं के क्या थे, दक्षिण भारत में जो पल्लव राजा थे उनके ये जागीरदार थे। अब देखिए जैसे सामंत हैं, जागीरदार होते हैं ना, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो इनका वही काम था। ये किनके अंडर थे, पल्लव के। उनके समय के दौरान तेलुगु और कन्नड़ की लिपि अन्य दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय भाषाओं से स्पष्ट रूप से अलग होने लगी। अब देखें यहाँ पे क्या था, जब सलंकियान का टाइम पीरियड आया, समय आया, तब क्या था, देखिए जो तेलुगु भाषा है जो आंध्र प्रदेश में थी और कन्नड़ की जो लिपि थी वो अन्य दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय भाषाओं से स्पष्ट रूप से अलग होने लगी। आप देखिए जैसे इंडिया में, जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो वहाँ पर क्या था कि जो तेलुगु और कन्नड़ की जो लिपि होती है ना, जो उनकी ग्रामर होती है, जो लिपि, जो भाषा लिखने का जो स्टाइल होता है, वो दक्षिण भारत से और भारतीय भाषाओं से, उत्तर भारतीय भाषाओं से क्या हुआ, अलग होना शुरू हो गया। देखिए किंग्स, यानि कि देखिए यहाँ पे इनके राजा कौन थे, हस्ती वर्मा, नंदी वर्मा, विजय देव वर्मा और विजय नंदी वर्मा। देखिए यहाँ पे हमने 7 राजाओं के बारे में बात की थी, लेकिन जो 4 इसमें फेमस थे, ठीक है। अब देखिए तथ्य इसके जान लेते हैं। सबसे पहले देववर्मन थे जिन्होंने 300 ईस्वी में शासन किया, उसके बाद देखिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अगला ज्ञात राजा, अगर हम अगले राजा की बात करें, हमें हस्तिवर्मन प्रथम देखने को मिलते हैं जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उनके बाद नंदीवर्मा राजा बने और उनके बाद हस्तिवर्मा द्वितीय राजा बने। यानी कि देखिए सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है, सबसे पहले देववर्मन आए थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया,
तो क्वेश्चन आंसर बताइए कि कौन से राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया सलंक्यान के, वो थे देवर्मन, उनके बाद आए हस्तिवर्मन वन प्रथम, उसके बाद देखिए इसे किसने पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने, उनके बाद देखिए नंदीवर्मा राजा बने, उनके बाद हस्तिवर्मा बने, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी स्कंद वर्मन ने कृष्णा नदी के दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाई और आनंद राजा को उखाड़ फेंका। इनकी देखिए हस्तिवर्मा द्वितीय के बाद जो स्कंद वर्मन आए उन्होंने कृष्णा नदी का जो दक्षिणी पार्ट था जो आनंद राजा के कब्जे में था उसको वहाँ से हरा दिया और भगा दिया। सभी सलंक्यान राजा भगवान चित्रथ अर्थात शिव के भगत थे। देखिए शिव का दूसरा नाम है चित्रथ। वे 300 और 500 ईस्वी के बीच में फले फूले। देखिए जो सलंक्यान थे वो भगवान शिव के भगत थे, ब्राह्मण थे। छठी शताब्दी ईस्वी के करीब आने पर वकाटक हरिसेन ने सलंक्यान शासक को हराया। आप देखिए जब छठी शताब्दी आई, जब छवीं शताब्दी आई तब क्या हुआ, वकाटक के जो राजा थे हरिसेन, उन्होंने सलंक्यान शासक को हरा दिया और उसे पदयुच कर दिया और राजा को विष्णुकुंडी राजा महाराजा वर्मन गोविंद वर्मन को दे दिया। अब देखिए सलंक्यान के जो राज जो शासक थे उसे वकाटक के जो शासक हरिसेन ने हरा दिया और जो उनका राजपाट छीन कर विष्णुकुंडी राजा महाराज गोविंद वर्मन को दे दिया। पांचवी शताब्दी के उत्तरार्ध में विष्णुकुंडियों के माधव राम द्वितीय द्वारा सलंक्यान पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए पहले सलंक्यान का राज था ना आंध्र प्रदेश के जिस जिले में, तो उसी जगह पर अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे विष्णुकुंडिन का राज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विष्णुकुंडी के जो माधव राम द्वितीय थे उन्होंने सलंक्यान पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे विष्णुकुंडी के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम इसको एक एक पार्ट में बनाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।